वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 54। कुंस ट्यूब अपरेटस हैज अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर क्लैम्प्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। द ट्यूब कंटेन्स एयर इन विच द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। द पाउडर कलेक्ट्स इन हीप्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन कॉपर। तो इसने मेरे कहा हमें कून्स ट्यूब दी हुई है। तो ये कून्स ट्यूब क्या होती है पहले ये डिस्कस करते हैं, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये कून्स ट्यूब में यहाँ पे पाइप होगा, इसके एक एंड पर यहाँ पे डिस्क कनेक्ट की हुई है और इस डिस्क को फिर एक रॉड कनेक्ट किया हुआ है, मेटल रॉड। और इस मेटल रॉड पर अब इस सेंटर में हमें इसे वेल्डिंग करते हैं। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में इस एंड से 25 सेंटीमीटर पर उसे वेल्डिंग किया है, मतलब इस बुक में वर्ड यूज किया है क्लैम्प्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली वेल्डिंग कर देते हैं, इसे क्लैम्प कर दिया है। और दूसरा एंड जो होगा वहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन होता है जिसके कारण हम इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर एयर होगी और इसमें कुछ पाउडर यहाँ पे स्प्रिंकल की जाएगी, लाइट पाउडर स्प्रिंकल की जाएगी। अब ये जो रॉड होगा इस रॉड को इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो भी होगी इस रॉड पर जो साउंड ट्रैवल होगा, अब ये फ्रिक्वेंसी क्या करेगी इसके कॉन्टैक्ट में है, इस एयर के कॉन्टैक्ट में, तो इस डिस्क थ्रू तो इस ईयर को वो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते करते दोनों की फ्रिक्वेंसी जब मैच होगी, मतलब वहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो ये एयर भी वाइब्रेट, यहाँ पे भी एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी, मतलब रेजोनेंस फॉर्म होगा। अब स्टैंडिंग वेव में यहाँ पे नोड एंटी नोड फॉर्म हो गए। तो ये जो पार्टिकल्स होगी वहाँ पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, वहाँ के जो पाउडर हमने जो स्प्रिंकल की है वहाँ के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो गए। तो इस तरह से वहाँ पे जहाँ पे एंटी नोड होगा वहाँ पे पार्टिकल्स लार्जली वाइब्रेट हो गए, और जहाँ पे नोड होगी वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं होगी तो वो नीचे गिरेंगे। तो जहाँ जहाँ पे नोड है वहाँ पे पार्टिकल नीचे गिरते जाएंगे और वहाँ पे हीप प्रोड्यूस होगा। तो इस हीप के बीच में जो डिस्टेंस है इस न्यूमेरिकल में कहा है कि वो डिस्टेंस है 5 मीटर का। तो 5 मीटर का डिस्टेंस दो हीप के बीच में दिया है, मतलब एक्चुअली वो डिस्टेंस दिया हमें दो नोड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है λ/2। और ये कहा हमें कि वो 5 मीटर है, मतलब हमें इनडायरेक्टली वहाँ पे λ = 10 मीटर ये डेटा दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन कॉपर, कॉपर में हमें साउंड वेव फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हमें कहा कि इस रॉड को फ्रिक्वेंसी दी जाएगी और यहाँ पे एक क्या करेगा इस एयर को रेजोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा इन रेजोनेंस जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कॉपर की होगी, मतलब ये जो भी मेटल होगा वहाँ पे वही फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो साउंड होगा उसकी होगी, या एयर साउंड की फ्रिक्वेंसी है दोनों जगह पे, लेकिन जो भी मीडियम होगा यहाँ पे एयर कहा है हमें। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो ये वेलोसिटी कहाँ पे मेटल पर, तो ये कॉपर है और ये लैम्ब्डा भी कॉपर के लिए इज इक्वल टू वेलोसिटी यहाँ पे एयर है और लैम्ब्डा भी एयर में। अब वेलोसिटी ऑफ कॉपर हमें फाइंड करनी है और लैम्ब्डा क्या गिवन है, तो यहाँ पे कहा है कि इसे इस रॉड को क्लैम्प किया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब ये रॉड से जब ये रेजोनेट होगा यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दी जाएगी जो साउंड ट्रैवल होगा इसका एक एंड जो है वो रेयर मीडियम में है, मतलब यहाँ की उसका उसके आगे रेयर मीडियम है और ये क्लैम्प किया हुए यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नोड फॉर्म होगा और ये फ्री टू वाइब्रेट है तो यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होगा, मतलब एंटीनोड। तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म होगी वो किस तरह से होगी, नोड टू एंटीनोड, मतलब इस तरह से वेव फॉर्म होगी, मतलब ये मोड ऑफ वाइब्रेशन उस तरह से होगा। और एंटीनोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है λ/4 और वो लेंथ दी हमें 25 सेंटीमीटर, मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पे लैम्ब्डा दिया है हमें कितना 25 × 4 100 सेंटीमीटर का, मतलब एमकेएस में करते हैं तो वो दिया है 1 मीटर। तो एक गिवन यहाँ पे मिल गया हमें कि ये कितना है। और इसी तरह से ये भी हमने फाइंड कर दिया एयर के लिए, ये होगा एयर के लिए और ये होगा कॉपर के लिए।
तो सभी हमें डेटा मिल गया। अभी ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेज देते तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है, तो वो हमें क्वेश्चन में ही दिए 340, इसे लिख देते, वो हमें क्वेश्चन में दिए 340 मीटर पर सेकेंड। लैमिना एयर जो हमने फाइंड किया 10 मीटर, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, लैमिना कॉपर वो है 1 मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ द कॉपर कितनी आ जाएगी 34, और सभी मीटर में ही है, तो मेटल में इतनी कम वेलोसिटी नहीं होती, साउंड से बहुत ज्यादा, मेटल में से बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो ये एक्चुअली ये डिस्टेंस जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 5 सेंटीमीटर मतलब ये लैमड़ा 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब इसे कन्वर्ट किया तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा एयर का। तो ये एक्चुअली कितना है 0.1 मीटर, मतलब 10⁻¹ ऊपर चला जाएगा, तो वो होगा, तो ये होगा 10⁻¹, और ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, इसे कोई कट नहीं करेगा, और ये ऑलरेडी 10⁻¹ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻¹, मतलब ये होगा 3400, और ये मीटर पर सेकेंड।